मैं रोता नहीं था, मैं लिखता था जाके, और जब मैं लिखता था और लिखने के बाद फिर मैं उसको फाड़ता था तो मुझे ऐसे होता था मैंने रो लिया। आप जो ख्वाब एक हसीना का देखते हैं जो मिलती है वो अच्छी खासी चुड़ैल होती है। अब मैं पहली तहरीर लेके गया, वो थी दर्द पे, तो मैंने सुनाना शुरू की तो लोग हंसने लग पड़े। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ पाकिस्तान के रिनॉन्ड कॉमेडी राइटर से मिलने के लिए, और कहते हैं ना कि कहीं जाने से पहले कुछ मीठा लेना चाहिए, सो आई एम गेटिंग अ केक फॉर हिम, लेट्स गो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये जी आपके लिए हम लेकर आए, मैंने कहा नए ऑफिस में आज चूँकि पहली बार आई हूँ और कुछ मीठा हो जाए। आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हूँ जिसने मेरी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। पॉलिटिकल सटायर शोज जो किए मैंने, और उसमें सबसे बड़ा हाथ है डॉक्टर यूनिस बट साहब का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। आप तो मुझे वैसे के वैसे ही लग रहा है, बंदे को बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अच्छा जी, आते हैं आपकी जर्नी की तरफ। सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना कि आपको कब लगा कि मैं एक राइटर बन सकता हूँ? मुझे शुरू से लगा था, शुरू से, हाँ, क्योंकि मेरा जो एक्सप्रेशन था वो मेरा एक्सप्रेशन वर्बल नहीं होता था। अच्छा। मैं स्कूल में जब जाता था तो होता था किसी चीज़ पे रास्ते में गया, मुझे देखा, मैंने देखा कोई बच्चा, किसी बच्चे को कोई मार रहा है या किसी जानवर को कोई मार रहा है। अच्छा। तो जो चीज़ मुझे हर्ट करती थी, मैं रोता नहीं था। नहीं रोते थे? नहीं रोता, मैं लिखता था जाके। अच्छा। और जब मैं लिखता था और लिखने के बाद फिर मैं उसको फाड़ता था तो मुझे ऐसे होता था मैंने रो लिया, मेरा कैथारसिस हो जाता था। ये मतलब गुस्सा आया, किसी ने आपको मतलब हर्ट किया है, हाँ। किसी बच्चे ने आपकी कुछ पेंसिल तोड़ दी, फीलिंग्स होती थी ना। क्या क्या लिखते थे आप? मतलब डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते थे। मुझे अभी तक याद है एक दफ़ा मैंने उस पे गधे पे लिखा था। अभी गधे, उस गधे को जो है मतलब कोई मार रहा था गधे के बच्चे को ना, तो बड़ा गधा जो था वो भी देख रहा था, तो मैंने उसकी फीलिंग्स पे लिखा था कि मतलब उनकी भी माँ होती है, उनके भी बाप होता है, तो उसके सामने उसके बेटे की पिटाई हो रही है तो इसकी क्या फीलिंग होगी यार, जब ये कुछ कर नहीं सकती। तो वो गधे की कहानी बना के मैंने जो है वो लिखी थी। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मतलब किसी को आप देखकर आए इस तरफ या? नहीं नहीं, उस वक्त किसी ने हेल्प किया आपको? उस वक्त तो मैंने किसी को देखा ही नहीं था जब से मैंने लिखना शुरू किया। मतलब मैं तो स्कूल से शुरू हो गया ना, मेरा एक एक्सप्रेशन ही ऐसा हो गया। अच्छा। कि मैं बोलता बहुत कम था और देखता बहुत ज़्यादा था, और बल्कि इशफाक साहब मुझे कहते होते थे कि ये जो है ना लाउडर माइंड जिसे कहते हैं ना, वो कहते थे ये कोने में बैठ के एक एक बंदे का एक्सरे कर रहा होता है, चुप करके बैठे। अच्छा। और ऑब्जर्व कर रहा होता है। अच्छा, कॉमेडी में मेरा लिखने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है वाकया। क्या? कि मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जब आया, शुरू में ही फर्स्ट ईयर में भी ही उन्होंने मुझे एक मौका दे दिया। वहाँ हल्का अदब होता था जहाँ अंजुम रोमानी और तसीन फराज इस तरह बड़े बड़े लोग आते थे, तो वहाँ राइटर अपनी जो थी ना राइटिंग्स वो सुनाते थे। अच्छा। और फिर वो लोग बाद में कमेंट करते थे। अच्छा। अब मैं पहली तहरीर लेके गया, वो थी दर्द पे। अच्छा। तो मैंने सुनाना शुरू की तो लोग हंसने लग पड़े। अच्छा। मैं ऐसा क्या था उसमें? मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये तो मेरी तो बहुत ही कमज़ोर कोई तहरीर होगी, इतने इतने लोग हंस रहे हैं। तो मैं जब तहरीर ख़त्म की तो मैं अच्छा हंसा, मैं क्या भाई अब दोबारा मैंने इस एरिया में नहीं आना। तो उन्होंने जो है कहा कि भाई तुम्हारे अंदर एक नेचुरल मज़ा लिखने का एक टैलेंट है, तो आप मज़ा क्यों नहीं लिखते? मैं इससे पहले मज़ा नहीं लिखता था, वैसे ही मुख्तलिफ टॉपिक्स पे संजीदा भी लिखता था, इन सारी चीज़ों पे लिखता था, तो उसके बाद मैंने मज़ा लिखना शुरू किया। तो मुझे बताएं, वैसे आपने कहा कि आप किसी के काम से इंस्पायर नहीं थे, तो आपकी फेवरेट चाइल्डहुड कोई बुक थी, कोई आप जो पढ़ते थे बहुत शौक से, कोई ऐसी किताब या नज़म कोई? नहीं, मैं सिर्फ लोगों को पढ़ता था, और मैं ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करता था, हमारे मोहल्ले में एक वो दुकान होती थी, उसका जो दुकान का जो था ना दुकानदार वो बहुत बाबा था, बुजुर्ग। अच्छा। तो उसके बाद जो सारे बुजुर्ग होते थे महल्ले के, वो अपनी कहानियाँ, वो शाम को इकट्ठे होते थे वहाँ। वाह। और उनमें मैं एक बच्चा होता था जो बैठ के, जहाँ सूफीज़म की बात होती थी, मैंने वहाँ से सीखा कि भाई अल्लाह देता है सबको। और ये जब मैं सोचा, मैं स्कूल जा रहा था मेरी जो है उस वक्त 4th या 5th क्लास थी। मुझे रास्ता याद है, जिस रास्ते पे मैं स्कूल पैदल जाया करता था, तो रास्ते में गया मुझे वो पैसे गिरे हुए नजर आए। अच्छा, तो अब मैं उठाने लगा तो मैं रुक गया, क्योंकि मुझे तो बाबा ने कहा था कि अल्लाह देता है। तो मैंने कहा कि यार अगर अल्लाह ने मुझे देना है तो मुझे इज्जत से नहीं दे सकता, नीचे से मैं क्यों उठाऊंगा। फिर मैं जो है मैंने नहीं उठाया। अच्छा, मैंने कहा कि नहीं, जब वो देता है तो इज्जत से देगा, एहतराम से देगा, मतलब मेरी जो है मेरी जेब में देगा या मेरे हाथ में देगा। गुजरांवाला के बारे में तो बड़ा फेमस है जी, पहलवानों का शहर, डील डोल वाले। तो कोई है कोई ऐसा? शौक होता था मुझे भी, खाबों का शौक था। पहलवानी की है आपने? ये मेरा ये होता था कि मुझे वो 2-4 किलो जो होते थे ना सालन, वो दिखा देते थे कि भाई देख लो तुम्हारा पेट भर जाएगा। कुश्ती करने का मुझे शौक था बचपन में, मैं अखाड़े जाता था। वाह। और मुझे अभी तक याद है, वो मैंने काफ़ी दफ़ा बयान भी किया वाकया कि मैं वो पहलवान उस्ताद को कहा कि भी मुझे भी जो है पहलवानी मैंने सीखना, मैंने एक्सरसाइज सिखाओ, कुश्ती मैंने सीखनी है। अच्छा। वर्जिश करनी है। तो उस्ताद पहलवान जो है उसने मुझे देखा, उसने कहा यार तुम्हारी वर्जिश के लिए इतना ही काफ़ी है, तू रोज़ 2 कुश्तियाँ देख लिया कर। नहीं माशाल्लाह, नो डाउट आपका जो काम है वो बोलता है, और आप जैसे कहते हैं ना एक ब्रांड बन चुके हैं। आपके साथ काम करना ही जो होता है ना, हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है। स्पेशली जब मैंने आपके साथ किया, मैंने हम सब उम्मीद से पहले बदतमीज़ियाँ बल्कि आपके साथ मैंने शो किया था, और देन उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसी काम से मुझे कितना काम मिला है, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि इस तरह के शोज़ आप नहीं कर रहे आजकल, क्या वजह है? एक लिमिट के बाद ना आपको चाहिए होता है ब्रेक, चाहिए होता है। अब मैं दोबारा पॉलिटिकल की तरफ आऊँगा। वैसे तो मैं तंज़ुमुदा में ऐसे सलीके से लिखता हूँ कि मैं जिनके खिलाफ भी लिखता हूँ उनको अगले दिन पता लगता है कि हमारे खिलाफ है, ये बात हमारे हक में थी या हमारे खिलाफ थी। लेकिन ये है कि अभी एक ऐसा दौर है कि यहाँ माहौल नहीं है, माहौल गाली गलोच का बहुत ज़्यादा है। आप क्योंकि हमने जब हम सब इसने शुरू किया था तो हमारा उन्होंने कहा था जी क्यों शुरू कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं सिर्फ पोलिटिकल टॉलरेंस जो है मेरा इशू है कि हम जो है अच्छे तरीके से बात करें और जिनके लीडर के बारे में बात करें वो भी सुन के हंसें, ये ना हो कि वो उनको गुस्सा आए। तो वो टॉलरेंस का कल्चर जो था उस ज़माने में भी हम डेवलप करने की कोशिश करते रहे। अदब और लिटरेचर जो है वो हमेशा उन दौर जो है में ज़्यादा ग्रो किया जब आप पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थीं। अच्छा ह्यूमर जो है आपको ज़िया के मार्शल के दौर में मिलेगा, आपको मुशर्रफ के मार्शल के दौर में मिलेगा। आपके अपने फेवरेट आपके सियासतदान कौन से हैं? ना मैं कोई राइटर पसंद करता हूँ, मैं उसकी तहरीर पसंद करता हूँ। मैं ना कोई सियासतदान पसंद करता हूँ, मैं उसके काम पसंद करता हूँ। जो अच्छे काम करता है वो मैं उसको पसंद करता हूँ। चलें अपनी फेवरेट डमी बता दें, जो आपको जिसके ऊपर लिखने का आपको मज़ा आता है कि भाई ये जो कैरेक्टर है ना इस पर मुझे ज़्यादा मेरे पास मार्जन होता है लिखने का। उस ज़माने में जो था हमें ये मुशर्रफ और चौधरी शुजात हुसैन जो था, हाँ जी, उनके अच्छा फैमिली फ्रंट की आपने बात की है, माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना कि एक पहचान मिली उसे, और दोबारा से हमें हमारा बड़ा दिल करता था कि उसका कोई सेकंड पार्ट, कोई सेकंड सीक्वल आए, क्यों नहीं बना उसके बाद? भी उसकी बहुत डिमांड है, हर कोई चाहता है, बिल्कुल हम चाहते हैं। आपका अपना फेवरेट कौन सा कैरेक्टर था उसमें? फैमिली फ्रंट में जब भी हुआ है उसमें 2-3 कैरेक्टर जो हैं वो हिट हुए हैं। अच्छा, इसमें होता है कि सेकंड जो था उसमें भी बॉबी हिट हुआ, अच्छा। हुमा हिट हुई, उसमें सुंबल हिट हुई, अच्छा। मतलब उसी तरह सवाए खुशिया के, अच्छा। क्योंकि खुशिया वाला जो कास्ट जो थी, जो बंदा कास्ट किया हुआ था वो उसको समझ नहीं पाया, वो ज़रा लाहौर का ह्यूमर था, अच्छा। तो वो मानी को किया, मानी से नहीं हुआ, फिर मतलब जिस तरह नसीम विकी ने किया था उस तरह वो नहीं। तो आपने दोबारा उनको क्यों नहीं ट्राई किया? नसीम असल में वो होता है ना कि लाहौर में है, अच्छा, वो कराची में शूट है। इतने इश्यूज होते हैं कि आप जो है वो ख्वाब देखने से लेके हकीकत आने तक आप देखते हैं कि वो चीज़ ही बदल चुकी होती है। आप जो ख्वाब एक हसीना का देखते हैं जो मिलती है वो अच्छी खासी चुड़ैल होती है। वाह वाह वाह, क्या बात की। अच्छा, मैंने आपका ना देखा है माशाल्लाह यूट्यूबर बन गए आप। नहीं, मैं यूट्यूबर और स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। दुनिया की वो औरत जिसे आप सारी ज़िंदगी मुतासर नहीं कर सकते वो बीवी है, और वो औरत जिसे आप चंद मिनटों में मुतासर कर सकते हैं वो भी बीवी है मगर किसी और की। इन्होंने राइटर बन के सबकी छुट्टी करा दी, अब इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन बन के उनकी छुट्टी करा देनी है। वो है कि मैं जो लिखता हूँ उसको पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा जो है वो मैंने स्टैंड अप कॉमेडियंस वाला नहीं रखा हुआ। अच्छा। और मेरा अपना एक जो है वो अदबी जो एक स्टाइल है उसी को मैं कर रहा हूँ। वो मुझे स्क्रीन पे आने वाले राइटर होते हैं, ये वो होते हैं कि जो अंदर उनके एक्टर भी होता है, मेरे अंदर एक्टर नहीं है। अच्छा, ठीक है, सही है। नहीं तो आगे क्या इरादा है, इसको आपने किस हद तक आगे लेके जाना है चैनल को? जब तक ऐसे हालात नहीं होते कि हम टीवी पे ये सब कुछ कर सकें तब तक इस पे करेंगे। मैं आपका वो गुजरांवाला वाला तो जो है ना वो मेरा फेवरेट है और अच्छा। वो इतना वायरल हुआ है कि हमारी फैमिली में ना वो आपस में दूसरे को सेंड करते रहते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा। बेस्ट टाइम क्या होता है आपका जिसमें आप लिखते अच्छा है, या कोई आपने कोई स्पेसिफिक कोई टाइम रखा है? टाइम का नहीं होता, मूड का होता है। मूड का जब भी मूड हो, कभी बहुत रात गए कभी सुबह सुबह, कभी दोपहर को, कभी मतलब मूड पे होता है। जब आप क्रिएटिव मूड में हैं तो फिर जो है आपको बस एक कोना चाहिए होता है। अच्छा। और होता है कि भाई कोई कॉल ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, कंप्लीट साइलेंस मतलब एक डिस्टर्बेंस। कोई ऐसा नहीं, कोई म्यूजिक हल्का सा लगाया हो साथ में, कोई स्नैक्स कोई पड़ी हो? किसी जमाने में होता था। अच्छा, किसी जमाने में होता था। मुझे बस जो है पेन चाहिए होते हैं और कागज़ चाहिए होता है, क्योंकि मैं इस इतनी जो है साइंस तरक्की कर गई है, सब कर गए हैं, मैं अभी तक वो हाथ से लिखता हूँ। तो मुझे हाथ से लिखे बगैर तसल्ली नहीं होती। तो सोशल मीडिया में किस हद तक आप एक्टिव हैं? लास्ट कोई क्या चीज़ है जो आपने पोस्ट की हो सोशल मीडिया पे? मैंने जो है मतलब इतना एक्टिव नहीं हूँ। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था 4 बीवियों के बारे में। मैंने देखा। तो 4 बीवियाँ जो हैं वो उनके फ़ायदे, उसकी पहली लाइन ही थी कि भाई जो है जो 4 बीवियों वाले हैं वो समझते हैं कि जब जो जिसकी एक शादी होती है ना वो बंदे की शादी नहीं होती, वो उसकी बीवी की शादी होती है। आपकी शादी तभी होती है जब 4 बीवियाँ हों। ये आप लोगों को देखें किस तरफ लगा रहे हैं। जो बीवियाँ ना, ज़्यादातर जो बीवियाँ वो आपकी फ़ैन होती हैं, आपको पता है? नहीं तो उन्हीं की बेहतरी के लिए है। उन्हीं की बेहतरी के लिए। घरेलू लाइफ के बारे में बताएं, बेगम के साथ लव मैरिज है या अरेंज? नहीं, जो है मैरिज जो होती है ना वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती है। अच्छा। वाइफ जो होती है वो लव वाइफ और अरेंज वाइफ नहीं होती, वो वाइफ होती है। ये इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो आपके साथ रह रहा है आप उससे मोहब्बत करें, उसका ख्याल रखें। बेसिक होता है मोहब्बत जो है एक ग्रोथ है। इसमें होता है कि जैसे आप कोई भी गोली खाते हैं ना, वो लैक्सोटानिल ही हो, पहले छोटी सी खाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी, फिर उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर और डोज बढ़ानी पड़ती है और डोज बढ़ानी पड़ती है। इस तरह रिश्तों में होता है कि मोहब्बत जो होता है उसकी डोजेज भी बढ़ानी पड़ती हैं। अच्छा। हम जिस डोज के साथ ज़िंदगी शुरू करते हैं फिर हम समझते हैं कि ये उसी डोज के साथ चलेगी, आपको बढ़ाना पड़ता है। हमारा एक क्लास वाला होता था, उसको मैंने कहा यार मुर्शद वो फलाना बंदा जो है वो तो बहुत तरक्की कर गया है, बड़ी कामयाब उसकी लाइफ है। उसने कहा कामयाबी जो होती है वो उस दिन पता लगती है जब आप आखिरी सांस ले रहे होते हैं, आप रिवाइंड करके देखते हैं, फिर आपको जो मोटी मोटी चीज़ें नज़र आती हैं ना वो डिसाइड करती हैं। एंड पे होता है कि कौन कामयाब है कौन नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जो है बिल गेट कामयाब हो और मेरे मोहल्ले का मोची नाकाम हो सकता है। बिल गेट्स की तो बात ही ना करें, अभी ताज़ा ताज़ा सदमा मिला उसको, आधी जायदाद भी गई। वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, सदमा मिला है, हो सकता है उसको खुशी मिली हो। हाँ, ये भी हो सकता है। पूछने का ये भी मकसद है कि तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है तो ज़्यादा फिर किसको एफर्ट डालनी, बीवी को ही डालनी क्या? देखिए जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओह अच्छा, ये तो फिर आपने यानी कि जो नहीं, अगर आप समझते हैं कि जो है दोनों मियाँ बीवी में आप इंटेलिजेंट हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, आपने उसका ख्याल रखना है, आपने उन चीज़ों को हैंडल करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ करने वाली छोटा सा एक रैपिड फायर, ठीक है? आप रेडी हैं इसके लिए? नहीं, मैं रैपिड फायर के लिए कभी रेडी नहीं हुआ क्योंकि मेरा दिमाग इतना तेज़ नहीं है। मैं राइटर हूँ और राइटर जो होता है हमेशा सुकून और सुस्ती से जन्म लेता है। चलें, सही है, देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं आपके सामने कुछ नाम लूँगी, हम सब उम्मीद की कुछ एक्ट्रेसेस का, आपने उनको रेट करना है उनके अदाकारी की बेस पे। 1 इज़ नंबर 1, 10 इज़ लाइक नीचे थोड़ा सा। सबा कमर 1। नंबर 1 वीना मलिक। नंबर 1। अच्छा, ये क्या बात हुई? बट अबाउट फिजाली आप 2 दे दें। चले मैं अपना भी पूछ लेती हूँ फिर। मायरा खान। नंबर 1। Oh my God, ये one word for मीरा जी, जो कोई एक लफ्ज़ ज़हन में आता हो। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मौलाना फजलुर रहमान जी। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बेहतर आदमी है। बेहतर। मरीम नवाज बहुत बेहतर। अच्छा जी, आप एक जजीरे पे जा रहे हैं, 3 में से आप एक चीज़ लेके जा सकते हैं, ठीक है? या आप बुक्स लेके जा सकते हैं, या अपना YouTube चैनल लेके जा सकते हैं, या फिर खाना लेके जा सकते हैं। क्या लेके जाएंगे आप? बुक्स जो है पढ़ने की बजाय लिखूंगा ना जाके, दूसरों के क्यों पढ़ूंगा, अपने लिखूंगा। अच्छा अच्छा जी, ये कश्ती है और आपने बचाना है किसी एक को, ठीक है? उसमें वीना मलिक बैठी है, मतीरा बैठी है और मीरा जी बैठी है, आप किसको बचाएंगे? एक डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, मैं कोई इतना ज़्यादा नहीं हूँ, मैं तीनों को बचाऊंगा। तीनों को बचा लेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं और भी बातें पूछूँ आपसे, लेकिन जाहिर बात है हम नहीं चाहते कि हम आपका वक्त ज़्यादा लें। और कोई मैसेज, कोई बात मेरे लिए या अपने फैंस के लिए? बहुत मोहब्बत आपकी, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू। इंटरव्यू चूँकि मैं जो है बहुत कम ही इंटरव्यू देता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मुझे होता है कि बोलने में आदमी कुछ ना कुछ ऐसा कह देता है जिससे किसी का दिल दुखता है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी का दिल मेरे से ना ही दुखे, लेकिन क्या करें, सच बोलना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। टिल दैन, अल्लाह हाफ़िज़।